हे गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पे। तो कल वन साइड मैच हुआ गुजरात और राजस्थान के बीच में, एंड गुजरात ने ये मैच काफ़ी आसानी से जीत लिया 37 रन से। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था राजस्थान ने, एंड शुरुआत तो फिर भी उनकी अच्छी थी राजस्थान की, क्योंकि दोनों ही ओपनर्स को जल्दी आउट किया था। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, एंड द वे ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम द प्रीवियस गेम इज़ वेरी गुड। ये मैच में उन्होंने अच्छा बैटिंग इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सही मोमेंट पे रन्स भी काफ़ी स्कोर किए, जस्ट बिकॉज के उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वांटेड टू स्कोर रन्स फॉर हिमसेल्फ, बट ही वांटेड टू स्कोर रन्स फॉर द टीम एज वेल। सो एक्सेलेंट इनिंग्स बाय हार्दिक, एंड जस्ट 52 बॉल्स में उन्होंने 87 रन्स बनाए थे। सो क्रेडिट गोज टू हिम टोटली। बॉलर्स की बात करें तो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया बॉलिंग चेंजेस या कहेंगे बॉलिंग स्ट्रेटजी संजू सैमसन की, बिकॉज नीशम एंड प्रसिद्ध ने नया बॉल डाला, सो डिड नॉट लाइक नीशम बोइंग द न्यू बॉल टू मच। लेकिन उसके अलावा चहल वॉज ओके, कुलदीप सेन थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन इज लुकिंग गुड, एंड अश्विन वॉज ऑल्सो डिसेंट बट कुड नॉट पिकअप विकेट्स। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं चेस की तो राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए जॉस पिटलर ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी, जस्ट उन्होंने 24 गेंदों में 54 रन बनाए थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ राजस्थान का कि उनके साथ कोई बैट्समैन नहीं टिक पाए, सो इट वॉज अ लोन बैटल बाय जॉस बटलर, एंड ही ऑल्सो गॉट आउट प्रिटी अर्ली ओनली, अगर कंपेयर करते हैं हम पूरे मैच को, क्योंकि छठी ओवर में तो आउट हो गए थे। सो उसके बाद कोई बैट्समैन इतना नहीं चला, हेतमायर ट्राइड बट वॉज नॉट इनफ, एंड फ्रॉम देयर नेवर राजस्थान लुक लाइक विनिंग। बॉलर्स फ्रॉम गुजरात वे वेरी गुड एज दे हैव बीन सो फार इन द टूर्नामेंट। शमी 1 विकेट, यश दयाल जिन्होंने कल डेब्यू किया उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। पहले दो ओवर में उन्होंने 33 रन खा लिए थे, बटलर ने उनको काफ़ी मारा था, लेकिन उसके बाद के दो ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेट भी चट गए। सो यू कम टू नो के हाउ अ गुड बॉलर ही इज। लॉकी फर्गसन वॉज एक्सलेंट, 3 विकेट चट गए और सिर्फ 23 रन दिए। राशिद खान विकेट नहीं लिए बट वेरी इकोनॉमिकल, सिर्फ 24 रन दिए। हार्दिक 18 रन और 1 विकेट लिया, बट आई थिंक कुछ वापस उनको दिक्कत आ रही है उनके बैक में, एंड इसलिए लास्ट में वो चले भी गए थे फील्ड से, बट वी होप दैट ही इज़ फिट। सो इट वॉज अ वेरी वन साइड विक्ट्री, एंड गुजरात हैज़ गॉन ऑन टॉप ऑफ द टेबल, सो मज़ा आएगा देखने में अब। एंड राजस्थान ऑल्सो नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स, बिकॉज ऐसी बैटिंग स्ट्रैटेजी या बॉलिंग स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। यू कैनॉट सेंड अश्विन एट नंबर 3 अहेड ऑफ संजू सैमसन हिमसेल्फ, सो यू नो दे नीड टू थोड़ा चेक करना होगा उनको, टीम मैनेजमेंट को भी, एंड प्लान आउट देयर स्ट्रैटेजी इन अ बेटर वे। एनीवेज गाइस, आज का मैच है उसको थोड़ा आप रिव्यू करते हैं। हैदराबाद और कलकत्ता का मैच है और ब्रेबोर्न पे, सो होप दैट इट्स गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग मैच। एंड कलकत्ता एंड हैदराबाद बोथ लास्ट कुछ मैचेस अच्छा कर रहे हैं, सो इफ़ केकेआर विंस दिस मैच दे विल ऑल्सो बी ऑन पार विथ गुजरात इन द पॉइंट्स टेबल, एंड हैदराबाद अगर जीतता है तो दे विल ऑल्सो क्लाइंब अ फ्यू प्लेसेस। सो लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में। ब्रेबोर्न का विकेट है तो आई एम श्योर के इट विल हेल्प बैटिंग मच मोर, सो इट शुड बी अ फन एक्साइटिंग गेम टू वॉच। हेड टू हेड की बात करते हैं तो ऑफकोर्स केकेआर बहुत आगे, 14 टाइम्स जीती है एंड हैदराबाद सिर्फ 7 बार जीती है, सो यू नो केकेआर हैज़ द एडवांटेज ओवर देयर। अब हैदराबाद के पास वॉशिंगटन सुनर नहीं है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लो फॉर SRH, बट आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ दैट केकेआर माइट बी एबल टू विन दिस मैच, सो माई प्रेडिक्शन इज़ केकेआर विन। ड्रीम इलेवन की बात करते हैं अगर गाइस, तो मेरे पिक्स रहेंगे अगर केकेआर में से बात करते हैं तो वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नितेश राणा, रसल, पैट कमिंस, सुनील नारायण, उमेश यादव। एंड अगर बात करते हैं हम हैदराबाद की तो अभिषेक शर्मा ऑफकोर्स लेना होगा आपको, राहुल त्रिपाठी को आप ले सकते हैं, मार्को जॉनसन या नटराजन दो में से किसी एक को ले सकते हैं, एंड मरकरम या पूरन में से भी किसी एक को ले सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक यू।